चॉकलेट खाओ, चॉकलेट में तैरो, किसी भी खाने वाली चीज को चॉकलेट में डिप करके खाओ और चॉकलेट का आनंद लो। यह सब और बहुत कुछ संभव है क्राफ्टून्स की इस नई चुनौती में। क्या आप इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलते हैं। सावधान माइक, मैं लड़ाई के मूड में हूँ। मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। वाह, लगता है इस बार भाग्य मेरे साथ है। यह तो निश्चित है क्योंकि तरबूज खट्टे नींबू से बेहतर होता है। सब कुछ तो ठीक ठाक है लेकिन मैं इसे कैसे काटूं? वैसे अगर मेरे पास चाकू नहीं है तो मुझे अपने हाथों से कोशिश करनी होगी। नहीं हो रहा है। ओह, मैंने तो अपने हाथ लगभग तोड़ ही दी थी। अब बहुत बहुत हो गया, यह एक युद्ध है, मैं इस पर विजय पा कर ही रहूंगा। चलो करो माइक, तुम यह कर सकते हो। धन्यवाद, मुझे लगता है मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ओह, काम हो रहा है, तो फिर इसको जारी रखता हूँ। मिशन पूरा हुआ, मैं इस तरबूज को सही टुकड़ों में काटने में कामयाब रहा। वाओ, अब इसको सही में खाने का समय है, बेशक चॉकलेट में डिप करके। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मेरी तरह नहीं माइक। माइक, मेरा नींबू इस फाउंटेन में फिट नहीं हो रहा है, क्या तुम थोड़ी मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इधर दे दो, मैं कुछ ही सेकंड में तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी आंखें, प्लीज रुको। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया, यह वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। खैर, तुम्हें फिर भी इसे खाना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी और जितना संभव होगा उतना चॉकलेट लगाती हूँ, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। नहीं, यह अभी भी खट्टा है, हंसना बंद करो। यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे वजह से हमें कराटे एक्सपर्ट नहीं रहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अंडे और बेकन, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। खैर, मुझे तो पॉपसिकल मिला है शक्कर के आकार में, और क्या चाहिए। इस विषय पर कोई बहस नहीं कि इस चॉकलेट के साथ अच्छे से जाता है, पर मेरी डिश उतनी अच्छी नहीं है। कभी भाग्य तुम्हारे साथ होता है, कभी नहीं। माइक, आशा करती हूँ कि अगर मैं शुरू करूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। यह तो चमत्कार हो गया, मैं तो इसका स्वाद कैसा होगा यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ओह, बिल्कुल सही चमक। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं भी खाकर देखना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे अंडे इतने सुंदर दिखने वाले चीज को बर्बाद नहीं करेंगे। यह देखने में चीनी का बना हुआ इंद्रधनुष लग रहा है, पर इसका स्वाद तो भयानक है, मैं इसे और खाना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारा शक्कर चाहिए। लेकिन यह उचित नहीं है, माफ करना, पर प्यार और चुनौती में सब कुछ उचित और जायज है। कितनी बदबू आ रही है। तुम्हारे लिए एक और निराशाजनक राउंड। तुम सही कह रही हो, इस एंचोवीज को देखकर तो शायद ही कोई खुश होगा। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। छी, मेरे लिए दुआ करो कमिला। छी, मैं अब और इसे नहीं खा सकता। क्या कहा? तुम्हें यह पूरा खाना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा? असल में मैं कमजोर नहीं हूँ, चलो इसे खाता हूँ। देख रही हूँ कि तुम्हें इसका स्वाद पसंद आ गया। तुम सही कह रही हो, शायद मुझे यह पसंद आने लगा है, लेकिन ओह, मेरे पेट को नहीं। बस आराम से माइक, शांत हो जाओ, यह खत्म भी हो गया है और अब यह मेरी बारी है। यह केला एकदम सही रहेगा, बस उसे देखो, मुझे इस छिलके की जरूरत नहीं है। कमिला, तुम इससे मुझे मार रही हो। माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, चॉकलेट से ढके केले को देखकर मैं अपने को काबू में नहीं कर पाई। यह उतना ही अच्छा है जितना मैं सोच रही थी,
मैं तुम्हें खाता हुआ नहीं देख सकता। थोड़ी देर के लिए माफ करना। आखिरकार कुछ स्वादिष्ट। मुझे मकई पसंद है, खास करके जब यह पॉपकॉर्न हो। और तुम्हें पता है, मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता इसे पॉपकॉर्न बनाने के लिए। अब इसे पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दूंगा और माइक्रोवेव में रखकर इंतजार करता हूँ। जल्दी से देखो ना क्या हुआ है। जैसा कि मैंने सोचा था, चॉकलेट पॉपकॉर्न। मुझे लगता है कि इसमें और चॉकलेट मिलाना चाहिए। चॉकलेट के साथ बहुत ज्यादा जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह बहुत अच्छे से निकला। शुक्र है कि मुझे कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे तुरंत खा सकती हूँ। देखकर ही खाने का मन हो रहा है। यह तो पक्का है कि ऐसे स्वादिष्ट चीज को खाने के लिए बड़े चम्मच की जरूरत होगी। ओरियो आइसक्रीम और चॉकलेट, इससे ज्यादा और कुछ की जरूरत नहीं है। कमिला, क्या मैं एक बार खा सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? ठीक है, फिर तुम देखो। आग! उप्स, यह नहीं लगा। फिर से कोशिश करके देखता हूँ। माइक, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाना चाह रहा हूँ। अरे नहीं कमिला, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मैंने ज्यादा कर दिया, पर मुझे पता है कि सब कैसे ठीक किया जा सकता है। चलो अपनी ऊर्जा और डिश को आपस में मिलाते हैं। देखो ये कितना कमाल का निकला। मेरा सुझाव है कि हमें फव्वारे में कुछ रंग जोड़ना चाहिए। अब हम खा सकते हैं। यह तो सबसे अच्छी चीज है जो मैंने अपने पूरे जीवन में देखी हो। इसका स्वाद अद्भुत है। प्याज, इसके अलावा कुछ भी चलता? बेचारी कमिला, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम इसे कैसे खाओगी। अच्छी बात यह है कि इस प्यारे केक के साथ मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी बदबू तो साथ में आसमान तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पहले शुरू करके ताकि तुम्हें थोड़ी देर और यह प्याज न खानी पड़े। अरे, यह वास्तव में बहुत भारी केक है। इसके ऊपर की टॉपिंग बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि यह गिर न जाए। हाँ, समझ आ गया। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ और फिर उसे चॉकलेट में डिप करता हूँ। एकदम सही, कितना स्वादिष्ट ट्रीट। मैं इसके हर एक आखिरी टुकड़े को खाने के लिए तैयार हूँ। थोड़े अच्छे तरीके से खा सकते हो माइक? नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ओह, तुमने हर तरफ गंदगी फैला दी है। माफ करना, पर तुम्हें यह खतरा उठाना पड़ेगा। मुझे डर है कि यह प्याज मुझे तुम्हारे केक की तरह असर नहीं करेगा। यह बहुत खराब है। अब तुम्हें भी इसका मजा चखना होगा माइक। बातें करना बंद करो कमिला और खाओ। छी, यह क्या? तुमने इस फाउंटेन के साथ क्या किया? तुम सही कह रहे हो, गलती हो गई। हमें अपनी नाक को बंद करके बदबू रोकनी पड़ेगी और फिर अपने फाउंटेन को जल्दी से ठीक करना होगा। यह हो गया, चॉकलेट फिर से वापस आ गया। ओके। खुशी है कि सब कुछ है। वाह, एक चॉकलेट कंट्रोलर। यह मेरा है। किसी हाल में नहीं, वो मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। कितने बदमाश हैं। मुझे इन्हें एक सबक सिखाना ही होगा। वाह, यह एक नई चुनौती है। मुझे लगता है कि इस चुनौती में बहुत सारा चॉकलेट होगा। एकदम मेरे मछली की तरह। कितना प्यारा है। मुझे तो इसे बर्बाद करने का मन ही नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट चॉकलेट के लिए कुछ भी।
मेरी डिश कहाँ है? लगता है किसी को भूख लग रही है, मैं यह तुरंत ठीक कर सकता हूँ। यह ताजी मछली तैरते हुए तुम्हारे पास आ रही है लूसी। ऊपर से यह कैसी आवाज आ रही है? ओह, यह कितना बुरा है, एक कच्ची मछली। बहुत मजेदार, 10 में से 10। यह किस तरह का बेकार मजाक है, मुझे यह नहीं खाना है। छी, कितना गंदा है। हाँ, निश्चित रूप से मुझे कोई जलन नहीं है। शुक्र है कि मुझे चॉकलेट वाला मिला है। वाह, सबसे नया मॉडल है यह। इसकी तुलना तो मेरे इस मीठे गैजेट के साथ कर ही नहीं सकते। अच्छा है ना? लेकिन मैं तो तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं दूंगी। कितना दर्द हुआ। स्पष्ट रूप से यह खाने के लिए नहीं है। लड़कियां मेरे एक नए सरप्राइज के लिए तैयार हैं। देखो लूसी, कोई कॉल कर रहा है। हेलो। अपने हाथ आगे करो लड़कियों, तुम्हारे लिए कैंडी और चॉकलेट की तूफान आ रही है। लेकिन यह सही नहीं है। अरे, यह कितना सारा है, शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरी मदद करो। उप्स, शायद सच में मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। लाइट बल्ब। तो इसके साथ मैं क्या करूं? ओके। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे लगता है मुझे ये खा कर देखना चाहिए। हाँ, ये चॉकलेट है। शायद मेरी भी किस्मत ऐसी निकलेगी, पता लगाना पड़ेगा। अरे, यह क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम क्या कर रही हो लूसी? बल्ब मेरे अंदर चार्ज बढ़ रही है। क्या? मुझे लगता है मुझे शॉक लगी। अरे यार, और मेरा चॉकलेट भी पिघल गया। माफ करना, यह नहीं पता था। मेकअप। वाह, देखो कितने सारे चीज है, कितना प्यारा रंग है, एकदम मेरे पसंद का। मैं भी अपनी चीजों के साथ बहुत खुश हूँ। बहुत सारे नए आई शेडो। यह नीला रंग तुम पर बहुत बढ़िया दिखेगा। उप्स, क्या हुआ लूसी? कैसा है? यह तो भयानक है। इस शेडो में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ आ गया, यह मेकअप नहीं बल्कि चॉकलेट है। स्वादिष्ट। वास्तव में यह असली मेकअप से तो बहुत बेहतर है। और अब लिपस्टिक की बारी। यह भी बढ़िया है। वाह, मैं अपनी मेकअप को खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। अरे नहीं, यह तो मुझसे एक भूल हो गई। छी, मुझे अब कभी भी यह चीज नहीं देखना। नया लिपस्टिक, कमाल है, मुझे तो हमेशा इसकी कमी रहती है। धन्यवाद सूजी। गुलाबी हील्स, यह तो बहुत सुंदर है। मुझे छुट्टी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मुझे तो लगता है हमें इसी वक्त पहनकर देखना चाहिए। वाह, यह तो कमाल है। मेरी बारी, चलो। चोट लग गई। तुम्हारे सैंडल में कुछ तो गड़बड़ था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये टूटे क्यों? ओह, यह तो चॉकलेट है। क्या तुम्हें चाहिए? कितना अच्छा है। छोटा सा कैमरा है, मेरा भी वैसा ही है। आ
आशा है कि इसे मैं कुछ अच्छे तस्वीरें खींच पाऊँ। मैं इस गुलाब से शुरू करती हूँ। ओह, अच्छा आइडिया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे कैमरा से सब चॉकलेट में बदल रहा है। सच में? और किस चीज को मैं स्वादिष्ट चॉकलेट में बदल सकती हूँ? यह देखो, कितना बढ़िया स्वाद है इसका। मुंह में पिघल जाता है। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अब बहुत सारा कैंडी चाहिए। ये तुमने क्या किया? मेरे हाथ को देखो। ओह, इसका मतलब है कि मैं एक बाइट ले सकती हूँ। ओह, मेरी उंगलियाँ। सूजी, तुम्हें मेरा हाथ ठीक करना होगा, और वो भी अभी। ओह, शुक्र है कि मेरा पहले जैसा हाथ वापस आ गया। नहीं, ऐसा मत करो, वो मेरा जादुई कैमरा है। आह, यह क्या था? ओह, मेरा चॉकलेट कैमरा। मैं तो इसे बहुत देर से खोज रहा था, और अब मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एकदम सही, बहुत बढ़िया। मैं इसे अब ध्यान से रख लेता हूँ। आपको यह मानना होगा कि कभी कभी चॉकलेट खाना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। समय समय पर हमें हमारा विकल्प बदलना पड़ जाता है। अच्छा है कि यह बात हमारे वीडियोस पर लागू नहीं होता है। आप इन्हें एक के बाद एक देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे ब्लूपर्स। यह इतने मजेदार है कि हमें यह आपको जरूर दिखाना था। हमारे वीडियोस देखते रहें, हंसते रहें, और हम जल्दी फिर मिलेंगे।